दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे हाई इंटेंसिटी मुकाबले में एक बार फिर भारतीय टीम के बल्लेबाज न्यूजीलैंड की टीम के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए, जिसके बाद सभी भारतीय प्रशंसक भारतीय टीम पर काफी ज्यादा भड़के हुए नजर आए। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में अगर कोई है तो वो है भारतीय टीम के मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने भारतीय टीम के इस शर्मनाक प्रदर्शन को देखकर भड़कते हुए टीम के दो सबसे अहम खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा पर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद तो सभी भारतीय प्रशंसक हैरान रह गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको क्या कहा महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भड़काऊ बयान देते हुए। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम के गेंदबाज ये मुकाबला जिताने में कामयाब रहेंगे या नहीं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे इस अहम मुकाबले में भारतीय टीम एक बार फिर न्यूजीलैंड के सामने घुटने टेकते हुए नजर आई। बता दें, इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जो कि पूरी तरीके से उनके पक्ष में गया, क्योंकि भारतीय टीम के बल्लेबाज एक बार फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। इस मुकाबले में कोई भी भारतीय टीम का बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सका। इसके बाद भारतीय टीम के हर एक बल्लेबाज ने सभी को निराश किया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने निराश किया तो वो थे रोहित शर्मा और विराट कोहली। ये दोनों भारतीय टीम के कप्तान और उपकप्तान ही नहीं बल्कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये दोनों बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन करने में नाकाम रहते हैं तो भारतीय टीम पूरी तरीके से लड़खड़ा जाती है, जो कि इस मुकाबले में भी हमें देखने को मिला। भारतीय टीम की हालत इस मुकाबले में इतनी ज्यादा खराब थी कि वो 20वें ओवर में 100 रन बनाने में भी काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। इसलिए इन दोनों की निराशाजनक पारी को देखकर भारतीय टीम के मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी काफी ज्यादा भड़के हुए नजर आए। दोस्तों, बता दें, विराट कोहली और रोहित शर्मा की खराब बल्लेबाजी को देखकर जहां पूरा भारत देश उन पर काफी ज्यादा भड़का हुआ नजर आया, वहीं मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी, जो कि कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं, वो भी अपने गुस्से को काबू न रख सके। दोस्तों, बता दें, महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा इन दोनों बल्लेबाजों पर जमकर फूटा। महेंद्र सिंह धोनी ने इनके ऊपर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम विश्व की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है, इसलिए जब भी भारतीय टीम मैदान पर कोई मुकाबला खेलने के लिए उतरती है तो उनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई जाती हैं कि भारतीय टीम मुकाबला जीते ना जीते लेकिन शानदार खेल का प्रदर्शन करने में तो कामयाब रह सकेगी। भारतीय टीम का आधा से ज्यादा दारोमदार रोहित शर्मा और विराट कोहली के कंधों पर होता है। अगर ये दोनों बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं रह पाते हैं तो भारतीय टीम पूरी तरीके से लड़खड़ाती हुई नजर आती है। इसलिए ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये दोनों बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं करेंगे तो भारतीय टीम का कोई भी मुकाबला जीतना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि ये दोनों खिलाड़ी बिल्कुल भी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय टीम इस T20 वर्ल्ड कप में लगातार निराशाजनक प्रदर्शन कर रही है। लेकिन दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के बयान को सुनकर आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन की अहम वजह रोहित शर्मा और विराट कोहली के द्वारा की गई खराब बल्लेबाजी है या नहीं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।